अब हम आपा की रेमेडी जो है वो करने जा रहे हैं। आपा आज स्किन लिफ्टिंग मास्क जो है वो बता रही हैं। जी आपा, मैं आज एक ऐसा स्किन लिफ्टिंग मास्क बता रही हूँ जो मोरिंगा से बनाया जाएगा, यानी सहजना की फली नहीं मैंने इस्तेमाल की, यहाँ पत्ते इस्तेमाल किए। साहिब, ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि ये तकरीबन 300 बीमारियों का भी इसमें इलाज है। और स्किन का ये कॉलेजन, इसमें खुजली का इलाज है वो किसी के पास नहीं, हमारे मुल्क में ना बहुत आम है ये बीमारी जी, पता नहीं क्यों। हाँ, वो नहीं है उसका इलाज, उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज नहीं है, उसका तो अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही करेगा जी। अच्छा जी, ये मैंने मोरिंगा के पत्ते पीसकर इसका पाउडर बनाया है। ये आप, ये वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल होती है ना मोरिंगा? बेशुमार बीमारी, शुगर के लिए, आपके गुर्दों के लिए, आपके खून बढ़ाने के लिए, आपकी जो बेशुमार ऐसी बीमारियां हमारे अंदर हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। कुछ लोगों का जो यूरिन है वो रुक जाता है या कम हो जाता है, कुछ को बहुत ज़्यादा आता है, उन सब के लिए, किडनी की बेशुमार प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है खाने में। लेकिन आज हम बता रहे हैं इसका स्किन के लिए, जो स्किन पे रिंकल्स हो जाती हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या कम। अच्छा, उम्र बढ़ने से ये नहीं है कि हमारी खूबसूरती में कमी आ जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी ग्रेस में इजाफा होता है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये लोग बताते क्यों नहीं कि उम्र बढ़ गई है? हमें तो लग रहा होता है, लोग ही नहीं बता रहे। हाँ, आपको लग रहा होता है लेकिन लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, और इसी वजह से इस दौड़ में वो पीछे रह जाते हैं कि मैं कहीं अपने रिश्तेदारों के सामने बूढ़ी ना लगने लगे। ऑलराइट, तो आज आपको उम्र छुपाने की जरूरत नहीं, बताइए और फिर उसके बाद हैरान हो जाएं, लोग हैरान हो जाएंगे कि यार किस किस्म का मास्क बना, बताइए। जी बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये मोरिंगा के पत्ते हैं, मैंने पीस कर यहाँ पर बहुत फाइन सा पाउडर बना लिया, और आप भी इसको पीस कर छान लें तो बेहतर है। तकरीबन एक टीस्पून के करीब मैंने मोरिंगा के पत्ते लिए हैं, और इसके अंदर मैंने ये अंडा फेंट कर रखा है, लेकिन अंडे की सिर्फ सफ़ेदी लूँगी, जर्दी नहीं लूँगी। और इसको हम तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून हम लेंगे, पूरी सफ़ेदी नहीं लेंगे। ओके, ठीक है, ये ले लिया, और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ये हनी लिया, शहद लिया। ओके, हम इसको पीस कर बहुत फाइन सा पाउडर बनाएंगे, और इसमें इसकी खुशबू को मेंटेन करने के लिए रोज़ वाटर, जी रोज़ वाटर के चंद कदरे कतरे। आपको पता है कि रोज़ वाटर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और इसका बेहतरीन सा मास्क बनाकर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और तकरीबन 15 से 20 मिनट का के लिए इसके चेहरे पर एप्लीकेशन करेंगे। ये ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन से झुर्रियों का खात्मा कर देगी, बल्कि आपकी स्किन का जो कॉलेजन है वो बूस्ट करेगी, जिससे आपकी स्किन बहुत टाइट लुक देगी, और इसको लगाने में भी बहुत आसानी और बहुत खूबसूरत है। और कम से कम इसको 15 मिनट के लिए ज़रूर लगाएं, और याद रखें कि कोई भी मास्क उस वक्त तक ना लगाएं जब तक वो ड्राई हो जाए। जब मास्क खुश्क होने लगे उसको फौरी तौर पर अपने चेहरे से हटा दीजिए, धो लीजिए, जो भी उसका तरीका है उसके मुताबिक करें, लेकिन पूरी तरह खुश्क ना होने दें। आपा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, मोरिंगा शामिल है, एग वाइट जो है वो शामिल है, शहद जो है वो शामिल है, और साथ साथ शामिल है रोज़ वाटर, एंड दैट्स अबाउट इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब आप ये मास्क, अच्छा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ आपको कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें लगाने और खाने से पहले, इवन दो कि सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद प्लीज़ अपने हकीम से, जिसके पास भी आपका जो डेटा मौजूद है उससे ज़रूर मशवरा कीजिए। बिकॉज़ पता होता क्या है, हमको नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, अंदर की कोई चीज़ ऐसी है जो प्रॉब्लमेटिक हो रही है, और आपने वो लगा लिया। अब आप आपा को ब्लेम करेंगे कि आपने कहा था, ऐसा नहीं है। अगेन, बार बार हम ये डिस्क्लेमर देते हैं, लगाने और खाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।